राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पे। बंधुओं, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन हो रहा है, यानी सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य एक महीने बाद राशि संक्रमण करते हैं, इसे सूर्य की संक्रांति भी बोला जाता है। बंधु, सूर्य अब तक अपनी स्वयं की राशि सिंह में थे, अब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बंधुओं, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में तीन राशि के जातकों के लिए, मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि और लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश किस तरह का फल देगा। बंधुओं, मेष राशि और लग्न वालों के लिए कुंडली कुछ इस तरह से होगी। सूर्यदेव आपके छठे भाव में संचरण करने जा रहे हैं। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 3 अक्टूबर तक मंगल विराजमान रहेंगे, विशेष योग बना हुआ है विक्रम योग, और 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे तो सूर्य और बुधादित्य योग बनेगा। मेष राशि और लग्न वालों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होकर के छठे भाव में संचरण करेंगे। बंधुओं, छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो किस तरह के प्रभाव कन्या राशि में प्रवेश करने पर मेष राशि के जातकों का सूर्य के संक्रमण का लाभ उनको प्राप्त होगा, आइए चर्चा करते हैं। बंधुओं, मेष राशि और लग्न वालों के लिए सूर्य छठे भाव में संचरण करेंगे, इसलिए जो बच्चे परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे उनको परीक्षा में सफलता मिलेगी। परीक्षा चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो या नौकरी से, दोनों में ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। पिछले दिनों आपके कोई झगड़े चले आ रहे थे, वो झगड़े भी आपके सुलझ जाएंगे। आप नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। घर परिवार में वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आपको क्योंकि ये छठा भाव रोग का भाव भी है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। मेष राशि के छात्रों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। नेत्र, हड्डी और हृदय संबंधी रोग आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो मेष राशि के जातक जो हैं, चाहे वो उनकी राशि से हो मेष राशि या लग्न से हो, तो सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश उनको इस तरह के फल दे सकता है। बंधुओं, सूर्य की यदि हम सातवीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके व्यय भाव पर होगी, इसलिए इस एक महीने में आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने धन का सही तरीके से आप प्रयोग करें। आय से अधिक धन खर्च हो सकता है। विदेश से पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस एक महीने में विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं मेष राशि और लग्न वाले जातक इस एक महीने में क्या उपाय करें जिससे उन्हें सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करना अच्छे परिणाम दे। तो बंधुओं, आपके लिए खास उपाय है कि आप जल में गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। आप गुड़ का दान करें, इसके साथ आप अदरक और गुड़ का सेवन करें तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में संक्रमण उत्तम फलदायी होगा। आइए बंधुओं, अब बात करते हैं वृष राशि और लग्न वाले जातकों के लिए किस तरह का फल देंगे सूर्यदेव जब वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बंधुओं, यदि वृष राशि और लग्न वाले जातकों की कुंडली देखी जाए, पंचम स्थान में संचरण करने जा रहे हैं। यहाँ पर मंगल 3 अक्टूबर तक और बुध जो है 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक उनका साथ निभाएंगे। बंधुओं, यहाँ वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बंधुओं, सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है, सूर्यदेव की कृपा हो तो साधक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। सभी तरह की नौकरी में सूर्य की कृपा ही आवश्यक होती है। सूर्यदेव शास्त्रों में भी प्रत्यक्ष देव बताए गए हैं। तो जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। तो चर्चा करते हैं वृषभ राशि और लग्न वालों के बारे में। सूर्य पंचम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। ये भाव शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और पुण्य कर्मों का होता है।
तो यहाँ क्या प्रभाव देने वाले होंगे कि जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप राजनीति से जुड़े हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का निराकरण करें तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। छात्रों को माता का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप प्रेम संबंधों में चल रहे हैं तो आपके बीच में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। आपके गृहस्थ जीवन में भी वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, इसलिए इन दोनों से बचने की आपको आवश्यकता है। यदि आप गर्भवती महिलाएं हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी तरह की आलोचनाओं पर आप इस एक महीने ध्यान ना दें। अपनी सकारात्मक शक्तियों के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। यदि सूर्य की सातवीं दृष्टि की बात की जाए तो सूर्य की सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी। तो कन्या राशि में वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति में आपकी में सुधार होगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। शेयर बाजार में आप निवेश करते हैं तो शेयर बाजार से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बंधु वृषभ राशि और लग्न वाले जातक इस एक महीने कुछ विशेष उपाय करें तो उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर के अर्घ दें। सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। गरीबों को पठन सामग्री का दान करें, जैसे पुस्तक है, कलम है, पेन है, तो इस एक महीने में आपको सूर्य के कन्या राशि में संचरण का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आइए बंधु अब बात करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश किस तरह के फल लाएगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर यानी कि एक महीने सूर्य आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव आपके चौथे भाव में संचरण करने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह का फल देंगे। बंधु ये भाव माता का भूमि भवन और वाहन का होता है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण हो सकता है। परिवार में वैचारिक मतभेद से वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। परिवार में झगड़े की स्थिति होने से बचें। आप परिवार के बीच में सामंजस्य बना करके रखें। यानी कि मिथुन राशि के लोग इस एक महीने अपने क्रोध पर काबू रखें तो सब कुछ अच्छा होगा। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेखन से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। प्रॉपर्टी संबंधी कागजों को अच्छी तरह से चेक कर लें। इस महीने रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं यदि सूर्य की सातवीं दृष्टि की बात की जाए तो सातवीं दृष्टि इनके आपके दशम भाव पर होगी। दशम भाव कर्म का भाव होता है, तो सूर्य की कृपा से रोजगार की जो आपकी पिछले दिनों तलाश चल रही थी, आप नौकरी खोज रहे थे, तो आपको सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करना विशेष फल देगा। आपकी रोजगार की तलाश पूरी हो जाएगी। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए हम एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य देव को जल में लाल फूल डाल करके आप अर्घ दें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं तो सूर्य का कन्या राशि में संक्रमण आपके लिए फलदायी होगा। बंधुओं इस वीडियो में हमने आपको तीन राशियों के बारे में बताया, मेष, वृष और मिथुन। इन तीनों के लिए सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश किस तरह के फल लाएगा, आप किन उपाय को करें जिससे कि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो। बंधुओं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राधे राधे।